नमस्कार दोस्तों, गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज लगवाने का किसको शौक नहीं होता है। कुछ लोग बड़े बड़े वूफर्स लगवा लेते हैं, कुछ बड़ी हाई लेवल की लाइटें लगवा देते हैं, लाल पीली इस तरह की उस तरह की। कई लोग बहुत फैंसी सीट कवर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों गाड़ी के अंदर जब एक्सेसरीज लगाते हैं, कुछ एक्सेसरीज ऐसी भी होती हैं जिनके नुकसान ज़्यादा होते हैं और फायदे कम होते हैं। आज की इस वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी एक्सेसरीज के बारे में। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर वो एक्सेसरीज लगवाते हैं तो आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की। फ्रंट में बहुत सारे लोग लगवा लेते हैं बुलगार्ड, जो कि आपको नहीं लगवाना चाहिए। क्यों नहीं लगवाना चाहिए? तो दोस्तों जो फ्रंट का बुलगार्ड है, यहाँ पे कहीं आपके एयरबैग्स के सेंसर होते हैं। अगर आपकी गाड़ी का कहीं टकराव होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो सेंसर वर्क नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुलेंगे दोस्तों। और दूसरी चीज़ जो है, जो गाड़ियों का जो डिज़ाइन है, फ्रंटल डिज़ाइन, वो इस तरीके का बनाया जाता है, कहीं भी अगर पैदल आदमी को या पैदल यात्री को गाड़ी टकराती है तो प्लास्टिक से टकराए और उसको ज़्यादा चोट ना आए। और बुलगार्ड एक स्टील का बना हुआ, लोहे की रोड पर बना हुआ एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, जिससे कि काफ़ी चोट लोगों को लग सकती है बुलगार्ड्स के कारण। दोस्तों पीछे की बात करते हैं, तो पीछे भी बुलगार्ड नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं, ये भी पर्टिकुलर काम नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी आपकी गाड़ी को टच होने से बचा देते हैं जो बुलगार्ड हम लगवाते हैं, लेकिन ये जो सेंसर है ये भी कई बार काम नहीं करते हैं। तो बुलगार्ड सरकार ने भी बैन किए हुए हैं और आप ना लगवाएं दोस्तों, उनका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है आप लोगों के लिए। दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिखता है दोस्तों, फ्लोर मैट हम सब लोग डलवाते हैं। फ्लोर मैट में हम क्या गलती करते हैं, जब हमें अपनी पर्टिकुलर मॉडल के फ्लोर मैट नहीं मिलते हैं, तो जो दुकानदार हैं, जो आपके एक्सेसरीज वाले होते हैं, वो लोग इतने चंट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये यूनिवर्सल हैं, ये सब गाड़ियों के अंदर आ जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये जो कट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, ये पर्टिकुलर देखो, ये टाटा का नेक्सोन का ही है। तो जो ये कट होगा और इधर से जो होगा दोस्तों, ये इस तरीके के बना होगा कि आपके ब्रेक्स और क्लच वगैरह इसके अंदर ना फंसे और आपका एक्सेलेटर इससे सही सलामत काम करते रहे, तीनों पेडल्स। अब जैसे ये यहाँ पे डाल दिया है मैंने दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं पूरा एक्सेलेटर दबाऊंगा तो ये कहीं भी एक्सेलेटर जो है इसके टच नहीं होगा। कई दुकानों पे होता क्या है, आपको मिलेंगे नहीं पर्टिकुलर गाड़ी के, और आपको दुकानदार जो है वो चिपका देता है कि भाई ये वाले ले लीजिए, यूनिवर्सल हैं ये, और उनसे आपको क्या प्रॉब्लम आएगी आप अगर देखेंगे बाद में, तो कभी ब्रेक में फंस जाएंगे, कभी क्लच के नीचे फंस जाएंगे, तो उससे कई बार हादसा होने का चांस रहता है। तो अपनी गाड़ी के अंदर दोस्तों पर्टिकुलर अपनी गाड़ी के मॉडल के ही आपको फुटरेस्ट डलवाने चाहिए। अगली चीज दोस्तों, जो बात करते हैं हम स्टीयरिंग कवर की, स्टीयरिंग कवर सब लोगों को अच्छा लगता है अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन कभी भी जो बाजार में बाहर खुले हुए मिलते हैं ना, जो ढीले ढीले से चढ़ते हैं गाड़ी के ऊपर, वो कभी नहीं लगवाने चाहिए स्टीयरिंग कवर। उनसे होता क्या है, अगर आप हाईवे पे हैं या ट्रैफिक में कहीं घुसे हुए हैं, वो इतने लूज होते हैं, आप घुमाओगे तो कई बार क्या होता है, स्टीयरिंग कवर घूम जाता है और स्टीयरिंग आपका वहीं पे रह जाता है, और खासकर उन गाड़ियों में जिनमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता है। और कई लोग लगवा लेते हैं वो लट्टू घूमने वाला, जिसको बोलते हैं स्पिनर बोलते हैं, वो नहीं लगवाना चाहिए। उसके कारण दोस्तों मेरी ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक बार, उससे गाड़ी क्या होता है, एक बार तो घूम जाएगी लेकिन वापस नहीं आती है। गाड़ी के स्टीयरिंग पे हमेशा वो कवर चढ़वाएं, जैसे मैंने ये स्टिच कराया हुआ है, इससे ये बिल्कुल भी लूज नहीं है, और स्पिनर ना लगवाएं कभी भी, और गाड़ी को हमेशा वी शेप में पकड़ के स्टीयरिंग तब ड्राइव करें। कई लोग यहाँ से ड्राइव करते हैं, वो भी दोस्तों खतरनाक होता है। हमेशा गाड़ी को यहाँ से कमांडिंग पोजीशन में अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ के रखना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के सीट कवर्स की। सीट कवर्स भी कभी अपनी गाड़ी के जो पर्टिकुलर मॉडल होता है उसके अलावा दूसरे ना लगवाएं, ना तो उसमें वो कंफर्ट हो। अब देखिए ये नेक्सोन के ही पर्टिकुलर लिखा हुआ भी है, टाटा नेक्सोन, तो इनकी जो क्वालिटी और फिट एंड फिनिश है वो बहुत अच्छे से आ जाती है दोस्तों। लेकिन अगर आप दूसरे मॉडल के, कई दुकानदार कई शहरों पर नहीं मिल पाता है, दूसरे मॉडल के चढ़वा लेंगे, तो ना तो उसमें आपका जो ये सपोर्ट होता है, जो साथ की सपोर्ट और लंबर सपोर्ट जो अंदर जिसके सीट के नीचे मिलती है, वो कभी नहीं मिलेगी, जिससे कि आपके कमर वगैरह में होने लगता है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों सीट कवर और आपके फ्लोर मैट बिल्कुल अपनी गाड़ी के पर्टिकुलर मॉडल के ही आप लोगों को लगवाने चाहिए, कभी भी दूसरी गाड़ी के ना लगवाएं। दोस्तों बात करें अगर नंबर प्लेट की, तो नंबर प्लेट बहुत सारे लोग अजीब से फोन दिखने वाले लगवा देते हैं, जिससे कि पुलिस की नजर में आप दूर से आ जाते हैं। मतलब आप अगर सही भी होंगे तो भी पुलिस की नजर में कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है खराब नागरिक की बनेगी, कि यार ये पहले ही चंट होगा साला, या फिर कुछ गैर कानूनी काम तो करता ही होगा। कई लोग गाड़ी के अंदर फिल्म लगवा देते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए मेरे साथ। कई लोग क्या करेंगे,
गाड़ी के अंदर यहाँ पे पूरा फिल्म लगवा देते हैं, ब्लैक करा देते हैं, इससे भी वही सेम काम आप लोगों के साथ होता है। पुलिस या जो भी सुरक्षा कर्मी है वो एकदम देख के आपको ये डाउट करने लगता है कि साला कोई गलत काम कर रहा होगा, भले ही आपने गर्मी से बचने के लिए लगवाई हो। दोस्तों अगर आपको गर्मी से ही बचना है तो अपनी गाड़ी के अंदर सनसेट लगवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको अपने शीशे टिंटेड ही कराने पड़े, ब्लैक जेट ब्लैक ही कराने पड़े। अगर आपको फिल्म चढ़वानी है तो इतनी चढ़वाएं कि 70% विजिबिलिटी रहे। अगर आपने इस टॉपिक पे मेरी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं कि कितने परसेंट गाड़ी के शीशे आप करवा सकते हैं काले। आगे दोस्तों बात करते हैं व्हील्स की। अलॉय व्हील्स आप भी देख रहे होंगे गाड़ी के अंदर कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी जाके बताना। और अलॉय व्हील्स के साथ लोग करते क्या है, कई बार अपनी गाड़ी के अंदर ओवर साइज के टायर डलवा देते हैं या फिर छोटे। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी गाड़ी के अंदर टायर बाहर तक यहाँ तक निकले रहेंगे, उससे नुकसान क्या होता है, एक तो आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, गाड़ी उतनी स्टेबल नहीं रह जाती है क्योंकि पूरी पर्टिकुलर गाड़ी जो है उसी को ध्यान में रख के बनाई गई है कि इस गाड़ी के अंदर इतने इंच का टायर चलने वाला है। और आपने मान लीजिए छोटा डलवा लिया तो ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाएगा और आपकी गाड़ी के जो ब्रेकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे उससे फ़र्क पड़ता है। तो अलॉय व्हील्स डलवाइए, कोई डाउट नहीं है इसमें, अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उसी साइज़ के डलवाने चाहिए दोस्तों जिस साइज़ के कंपनी ने आपको दिए हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, कई लोग प्रेशर हॉर्न लगवा लेते हैं जो कि इंडिया के अंदर बैन है, तो हॉर्न लगवा लेते हैं पोंपों वाले हॉर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रेशर वाले नहीं होने चाहिए कि इतने ज़्यादा कान फोड़ू ना हो कि किसी को उसमें सुनाई भी ना आए या लोग डर जाएं, दोस्तों उस पर भी चलान हो सकता है। और कई लोगों को आपने देखा होगा इनके अंदर HID फिट करा लेते हैं, जी हाँ दोस्तों पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर HID लाल पीली हरी रंग बिरंगी फ्रंट की लाइटें लगवा रखी हैं जो कि सामने से आने वाली किसी गाड़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं तो वो भी मत लगवाइएगा, सामने वाला एक्सीडेंट कर सकता है, आपका भी नुकसान हो सकता है और किसी और का भी नुकसान हो सकता है दोस्तों इनसे। तो दोस्तों यही कुछ आज एक्सेसरीज में आप लोगों को बताना चाहता था कि इनको लगवाने से नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे कम हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपकी अपनी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा मुझे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में जो बेल आइकन आता है प्लीज़ यार उसको भी दबा लिया करो, ना आपका खर्चा होता है ना मुझे कुछ मिलता है। इसी के साथ गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।